एवरीवन, आज वीक का सेकंड डे है। आज हम लोग कुछ योगिक आसनास करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया योगिक आसनास नहीं किए हुए। तो करने से पहले जल्दी जल्दी लॉर्ड्स प्रेयर कर लेते हैं। होल्ड योर हैंड, क्लोज योर आईज। आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम, थाय किंगडम कम, थाय विल बी डन on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power and glory, forever and ever. Amen. अभी हम लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन इस पोज में ज्यादातर खाना खाने के बाद बैठा जाता है। इससे डाइजेशन की स्पीड जो होती है वो तेज हो जाती है और पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसमें साइडवेज एक बार देख लीजिए, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हुए, ठीक साइडवेज। मैं आपको साइड पोज एक बार दिखा देता हूं। इस पोजीशन में आना है, फिर धीरे से पीछे की तरफ आराम से बैठ जाना और दोनों हाथ आपके थाइस पे रखना है। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल और एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। इस पोज को कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप लगा के बैठिए, तो इससे आपका डाइजेशन अच्छा होगा। और ये आपके घर में जितने भी ओल्ड लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा है डाइजेशन, क्योंकि उनको पेट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो वज्रासन इसके लिए रामबाण है, आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इस पोज पे बैठ सकते हैं, आपके पेट से रिलेटेड जितने भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। मैंने आपको फिर से दिखाया, एकदम सिंपल, जैसे बेबी जैसे चलता है उस पोजिशन पे पहले आना है और फिर धीरे से आपको बैठ जाना। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। अब इसके साथ, इसके बाद मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज अभी बताता हूं। सेकंड पोज है मंडूकासन। हम लोग अब मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन भी पेट के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। वो हल्की सी मसाज प्रोवाइड करता है, मालिश करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, और ये काफी अच्छा है। इसे करते समय थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब भी हम बैठते हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठना है हमें, प्लस बोथ फिस्ट को क्लोज करना है, थंब को ऊपर रखना है और साइडवेज इसको अंदर की तरफ फेस करना है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हुए, मतलब बाहर की तरफ निकालते हुए ऑक्सीजन को, और आगे की तरफ झुकना है बाहर की तरफ, और जब ऊपर की तरफ आना है तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हुए। योग में हमेशा हम लोग जब आगे की तरफ झुकते हैं तो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं और ऊपर की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं। इस पोजीशन को 1 से 2 मिनट तक आपको बनाए रखना है। कोशिश ये करना है कि जिसको पेट से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम है या किसी तरीके का कोई ऑपरेशन हुआ है तो इस एक्सरसाइज को ना करें। इसका दूसरा पोज जो है, इसको दूसरे तरीके से, इसका दूसरा एक और तरीका है इसे करने का। इसमें अपना बायां हाथ सबसे पहले अपने स्टमक पे, लोअर साइड पे प्लेस करते हैं, फिर उसके ऊपर से दाहिना है हाथ प्लेस करते हैं और सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन को बाहर की तरफ छोड़ते हुए नीचे झुकना है। एंड देन 2 से 3 मिनट तक, जब तक आप रुक सकते हैं, उसके बाद एक्सहेल यानी वापस ऊपर आना है। एक बार आप देख लीजिए।
देख लिया आपने, इस पोजीशन को आप रोज 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, और अगर ज्यादा देर कर सकना है तो और ज्यादा देर कर सकते हैं। बट वज्रासन पे आप कंटिन्यूअस बैठने की हैबिट बनाइए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर जरूर बैठिए, 5 से 6 मिनट 10 मिनट जितने देर तक आपको सुटेबल लगता है, जितने देर तक आप बैठ सकते हो। धीरे धीरे आपकी हैबिट अच्छी होगी तो सिटिंग पोज जो है वो भी इंक्रीज होगा। शुरू में थोड़ा बहुत आपके हो सकता है पैरों में दर्द हो इस पे बैठने पे, लेकिन धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। इसी के साथ अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ एक्सरसाइज। नेक्स्ट आसन है शशांक आसन। शशांक आसन में एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने देखा इसमें दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। मैंने बोला योग में जब आगे की तरफ झुकते हैं तो ऑक्सीजन को ब्रीद आउट करते हैं, तो ब्रीद आउट ब्रीदिंग सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों सर जो आपका फोरहेड होगा वो जमीन पे टच होगा, दोनों हाथ आपके ग्राउंड पे टच रहेंगे, सर नीचे। थोड़ा ध्यान लगाना है, इस आसन पे होल्ड करना है। जब आप नीचे लेके जाते हो तो यहाँ पे होल्ड करना है। आप 1 से 2 मिनट तक 3 मिनट तक जितना आप होल्ड कर सकते हो उसको होल्ड करना है, एंड देन फिर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हुए आपको ऊपर आना है, एंड देन इनिशियल पोजिशन पे चाहे वज्रासन में आप जैसे बैठे हुए हैं। शशांक आसन भी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छा है आपके पेट के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। आप इसे रेगुलर रोज कर सकते हो। इससे आपको जो भी पेट से जुड़ी परेशानियां हैं वो सारी चीजें दूर हो सकती हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन बंद करते हैं। कोशिश ये करना आप सभी कि मैं सीधे बैठ जाता हूँ। कोशिश ये करना आप सभी कि जब भी मॉर्निंग एक्सरसाइज आप करने आते हो तो शुरू में मैंने आपको जितने भी वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस, रोटेशन एक्सरसाइज और ये सारे एक्सरसाइजेस पहले सिखा रखे हैं, उन एक्सरसाइजों को करके थोड़ा सा बॉडी वार्म करके उसके बाद योगिक आसनास पे बैठा करो या डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे बैठा करो। कंटिन्यूअस आधे घंटे का सेशन रखो, आधे घंटे के सेशन में करो। आज बहुत अच्छा है अगर 1 घंटे का भी सेशन अगर कोई कर रहा है। घर के अगल बगल मेरे बगल में भी बच्चे हमारे स्कूल के पढ़ते हैं तो वो बोल रहे हैं सर हम रेगुलर करते हैं, तो आप सब भी रेगुलर करो। अभी थोड़ी देर बाद आपके टीचर्स आपको आपका होमवर्क देंगे। इसके साथ आज का सेशन हम लोग आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।